नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अजय सिंह राठौड़ और स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है हमारी एक जो नई टाउनशिप, जिसके बारे में मैं बहुत सारे वीडियो में बता चुका हूँ कि आने वाली है, वो आ चुकी है, तो उसके बारे में होने वाला है। तो क्योंकि अभी फ़िलहाल क्या मैं साइट पे तो हूँ नहीं, तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स बताऊँगा और कहाँ है साइट, लोकेशन वगैरह, क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ है या रेजिडेंस पर्पज़ है। तो वीडियो क्या थोड़ा सा लंबा होगा, तो कोशिश करिएगा वीडियो पूरा देखने की, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हमारी एक जो टाउनशिप, जिसके बारे में मैंने बताया था आपको, महिंद्रा सेज के पास हमारी एक 250 फीट जो महिंद्रा सेज के पास जो 250 फीट रोड है, उस 250 फीट के जस्ट उस साइड में हमारी एक टाउनशिप है जो आने वाली थी, वो आ चुकी है। 40 बीघा की ये टाउनशिप है, फिलहाल इसका फर्स्ट फेज आया है और उसका नाम तो मैं आपको बता देता हूँ, केशवम फर्स्ट के नाम से है। केशवम हमारी जो टाउनशिप थी वो आपने देखी होगी, मैं उसका वीडियो है जो ऊपर आई बटन में पिन कर दूंगा, आप देख लेना, नहीं देखी है तो। केशवम पूरी डेवलप हो चुकी है और पूरी सोल्ड भी हो चुकी है, ये केशवम का ही एक्सटेंशन है, उससे थोड़ा आगे है। केशवम जिसने देखी है उनको पता है वो मेन महापुरा रोड पे है, उससे 4 किलोमीटर आगे, क्योंकि बीच में तो सेज आ जाता है, सेज के उस साइड में हमारी ये टाउनशिप है। 40 बीघा की टाउनशिप है और दो साइड से इसकी एंट्री है, 60 फीट रोड से है, 80 फीट रोड से है, तो बहुत ही शानदार टाउनशिप है। बड़ी रोडों की अगर बात करें तो इसमें 3 60 फीट रोड, 2 60 फीट रोड है और 1 80 फीट रोड है। कॉलोनी के अंदर 40 फीट की रोड हैं, बाकी 30 फीट रोड तो होती है, और जो एमिनिटीज़, वो फैसिलिटी जो इसमें मिल रही थी वही उसमें मिलेगी आपको। हाँ, इसमें साइड क्लब हाउस का अभी कन्फर्म नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन बाकी सब कुछ होगा इसमें, किड्स प्ले एरिया होगा और बैंक्वेट हॉल वगैरह सब कुछ होगा। तो ये तो हो गई हमारी टाउनशिप में जो डिटेल्स, क्योंकि आप रेगुलर विजिटर हो, अगर नहीं भी हो तो ये देखने से पहले आप हमारी जो पुरानी साइट्स हैं वो आप एक बार जाके देखो, डेवलपमेंट कैसा करते हैं कैसा नहीं करते हैं, तो वो चीज़ आपको आइडिया लग जाएगी कैसे होने वाली है। क्योंकि अभी क्या फिलहाल क्या खाली लैंड है, बुकिंग ले रहे हैं, 30% सोल्ड भी हो चुकी है, तो आपको जो रेजिडेंस वाले जो देख रहे हैं उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड लग सकता है कि भाई यहाँ हम इस रेट में क्यों लें, क्योंकि एक रेजिडेंस वालों को दिमाग वहीं काम करता है जहाँ पूरा कंप्लीट डेवलप किया हुआ होता है। जैसे केशवम में अब कोई भी जाता तो वो बोलता है कि यहाँ प्लॉट दिलवा दो, और तो आज से 4-5 पहने वाले जब वो लॉन्च हुई थी तब उसका भी यही हाल था, इसका ये था, क्योंकि तो डेवलपमेंट उनको जब दिखता है तभी उनका मन करता है लेने का। रेजिडेंस में जो लेते वो ये सोचते कि उसमें डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा, रेजिडेंस होगा या नहीं होगा, तो ये सवाल आपके वहाँ जाओगे आप केशवम विजिट करोगे तो आपके क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि दिसंबर में हमने केशवम लॉन्च की थी, 20 नवंबर के समथिंग लॉन्च हुई थी वो, और आज की डेट में अगर आप जाके देखो तो कंप्लीट तो डेवलप हो गई है, कोई थोड़ा बहुत डेवलपमेंट बचा है पार्क वगैरह का, जो काम चल ही रहा है अभी, और लगभग यूँ समझ लो 80-90% उसका डेवलपमेंट कंप्लीट हो चुका। सोल्ड तो वो पूरी है ही, ऑलरेडी सोल्ड है, लेकिन उसमें प्लॉट अपने पास बचे नहीं है। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जिन लोगों ने जो लिए था रेजिडेंस के पर्पज़ से, उनके मकानों के काम भी चालू हो चुके हैं, कुछ मकान बन भी चुके हैं, कुछ का काम चल रहा है, और जो लोग बोल रहे थे कि ये 100 फीट रोड तो अभी चालू नहीं है, जो कमर्शियल रोड थी, तो इस पे अभी प्लॉट लेने से क्या फ़ायदा है, उनकी जानकारी के लिए बता दूँ उस रोड पे एक साइड मेरे हिसाब से कैफे बन रहा है, वो तो बनने के बाद पता चलेगा क्या है, लेकिन जो उसका वो मैंने कंस्ट्रक्शन देखा जिस हिसाब से वो बन रहा है तो मुझे तो कैफे ही लग रहा है। तो 100 फीट रोड पर हमारा पहला जो कैफ़े है शुरू हो चुका है काम उसका, और ज़्यादा नहीं 2-3 महीने में वो रेडी हो जाएगा, तो कॉफ़ी वहीं पियेंगे हम। तो अभी हम बात करते हैं हमारी 250 फीट वाली सीज रोड पे जो टाउनशिप आ रही है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, लॉन्चिंग रेट उसकी 23,900 है, जो केशवम की थी वही उसकी है। अब आप बोलोगे कि केशवम की 23,900 थी वो समझ में आता है, महापुरा के पास में है, रेजिडेंस के लिए भी अच्छी है, उसकी 23,900 क्यों है? तो उसके लिए देखो, मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगा, पिछले 7-8 महीने में जो ज़मीनों की रेट बढ़ रही है जिस हिसाब से बढ़ रही है, तो अगले 4-5 महीने में आपको 23,900 तो छोड़ो 30,000 में भी वहाँ प्लॉट नहीं मिलने वाले। क्योंकि कुछ लोग जो एग्जांपल देते हैं, मेरे को पता है कि एग्जांपल देते हैं, यहाँ तो अभी 4-5 महीने या 8-9 महीने पहले किसी की टाउनशिप आई थी 13,000 में आई थी, 14,000 में आई थी, तो ये है। आज उस कॉलोनी में आप जाके देखो, अगर आपको वहाँ आपको 20-25 हज़ार में भी कोई प्लॉट दे, खैर प्लॉट तो बचे ही नहीं है, अगर दे तो मेरे को बताना, क्योंकि नहीं है वहाँ पे प्लॉट ऑलरेडी जो कॉलोनियाँ हैं, और अब 4 महीने तो आनी भी नहीं है कोई टाउनशिप, और तो 4 महीने नहीं आनी है, तो जिनकी है वो बेच रहे हैं तो रेट भी उसी हिसाब से लगेगी। और महिंद्रा सेज, क्योंकि इतने दिन हम आपको बोलते थे कि महिंद्रा सेज ऐसा डेवलप है, ऐसा है, वैसा है, अब क्या है कि आप विजिट करने जाओगे तो महिंद्रा सेज के अंदर से ही हम उसमें जाते हैं, उस साइट पे महिंद्रा सेज से हम 250 फीट रोड पे चढ़ते हैं, वो टी पॉइंट है, उससे अपने को 700 या 800 मीटर उधर कलवाड़ा की तरफ चलना है, और फिर लेफ्ट साइड में
आपको मेन 250 फीट रोड से मात्र 50 मीटर चलना है अपनी, मतलब मेन 250 फीट से ही आपको कॉलोनी दिख जाएगी, मात्र 50 मीटर चलना अपनी कॉलोनी आ जाती है। 60 फीट रोड से उसकी एंट्री है और 60 फीट रोड पे भी प्लॉट है, उसमें अंदर कॉलोनी के अंदर भी जैसे 40 फीट 30 फीट पे भी प्लॉट हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हर हमारी जो इतनी भी कॉलोनियाँ होती है 80 से 90% लोनेबल होती है, तो ये भी वैसे ही है। अभी खाली उसकी बुकिंग चल रही है, प्री लॉन्चिंग है 23,900 और 15-20 दिन में रेट बढ़ने वाले हैं क्योंकि 25 से 30% माल बिक चुका है। बुकिंग विद इन वीक के अंदर हो गई थी, सेम डे ही हो गई थी जिस दिन मैप दिया था उस दिन, बाकी कंटिन्यू बुकिंगें चल रही है। तो माल अभी तो खूब है हमारे पास, उसमें इन्वेंट्री खूब है, लेकिन अभी पहले आओ पहले पाओ वाला ऑफर है वो इसलिए क्योंकि जो प्लॉट इन्वेस्टर लेगा वो चॉइस का लेगा, रेजिडेंशियल लेगा वो भी चॉइस का ही लेगा। तो चॉइस मिलती है स्टार्टिंग में, लास्ट में आपको चॉइस नहीं मिलती, उसके बाद फिर बचा कुचा लेना पड़ता है। जैसे आज कैश होम में आप लोग डिमांड कर रहे हो कि हमें ये दे दो वो दे दो, जो मिल रहा है वही दे दो, इसमें एक ही प्लॉट दे दो, तो ये चीज़ें बाद में पॉसिबल नहीं होती क्योंकि जिन्होंने लिए हैं मैक्सिमम लोगों ने रेजिडेंस के लिए लिए हैं, बेचने के लिए नहीं लिए। और रेजिडेंस वाले जो देख रहे हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो हमारी जितनी भी कॉलोनियाँ वो सारी रेजिडेंशियल है, तो हमारे पास जो क्लाइंट बेस है वो भी रेजिडेंशियल है, तो उसमें जो क्लाइंट जो प्लॉट लेंगे वो भी रेजिडेंशियल वाले ही होंगे ज़्यादातर। अब आपका हो सकता है क्योंकि आप वहाँ जाके देखो, अभी फ़िलहाल क्या है कि जैसे बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है, फिर अंदर रोड वगैरह का काम चालू होगा, तो अभी क्या डेवलपमेंट आपको उतना दिख नहीं रहा है, तो आपका थोड़ा सा दिमाग माइंड है जो डाइवर्ट होगा कि मैं यहाँ खाली लैंड पर लेकर करूँगा क्या, तो ये चीज़ है, ये चीज़ आपको दिखेगी साल भर बाद, क्योंकि देखो डेवलपमेंट होने में टाइम लगता है। साल भर में आपको बोल रहा हूँ लेकिन साल भर कभी लगता नहीं है, जैसे केशो में आप जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने दिसंबर से लेकर अब तक उसमें कितना डेवलपमेंट किया है और कितना फास्ट होता है डेवलपमेंट, कितना नहीं होता, वो आपको वहाँ जाओगे तो पता लग जाएगा। देखो मेरे बताने से आप यकीन करो ना करो, लेकिन देखोगे तो करोगे ही, वो चीज़ है। तो उसका जो है अभी लॉन्च का तो मुझे पता नहीं है कि कब है, क्योंकि जब लॉन्च होगी उससे पहले ही रेट बढ़ जाएगी, लॉन्च होने से पहले जिस हिसाब से उसमें बुकिंग हो रही है तो लॉन्च होने से पहले उसमें रेट बढ़ जाएगी। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अब प्रॉपर्टी में जो बूम आने वाला है, इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन के बाद जो प्रॉपर्टी में रेटें बढ़ने वाली है वो कुछ इस तरह बढ़ने वाली है, क्योंकि सेज जो है जिस अभी जो गवर्नमेंट चेंज होगी, तो कहने का तो यही मतलब है कि सेज जो है बीजेपी गवर्नमेंट का है, और अगर बीजेपी आई तो फिर सेज वालों की चांदी होने वाली है जिन्होंने सेज की तरफ प्लॉट लिए हैं। और रेजिडेंस के लिए तो लोग वैसे भी बाहर भाग रहे हैं, सिटी में तो कोई रहना नहीं चाह रहा क्योंकि रोड जैसे सड़कें चौड़ी हो रही है तो वहाँ उनको जगह कम पड़ रही है, तो लोग भाग रहे हैं बाहर की तरफ, मतलब सिटी के जितना नज़दीक मिल जाए उतना अच्छा है। जैसे कि अभी आपने पत्रकार को देखा होगा, पत्रकार जैसा था आज से 3 साल पहले जैसा था अभी जैसा है, वैसा अब जयसिंहपुरा हो रहा है जो मानसरोवर एक्सटेंशन बोल रहे हैं उसको, वैसा ही उसके धीरे 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 ये आगे ये एरिया बढ़ने वाला है। तो अभी आपके पास मौका है इन्वेस्ट करने का भी, रेजिडेंस के लिए भी अभी खूब सारी इन्वेंट्री है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा, स्क्रीन पर मेरे नंबर हमेशा फ्लैश होते हैं, कॉल कर लो, विजिट कर लो। मैं वीडियो में हर चीज़ कवर नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें भूल जाता हूँ, कुछ चीज़ें याद नहीं रहती है, फिर कुछ चीज़ें ऐसा होती है जो बताने की नहीं होती, वो आप आओगे तो बताऊँगा आपको, मैं साइट पर विजिट करवाऊँगा तब आपको समझाऊँगा। लोकेशन मैं फ़ोन पे या फिर ऐसे नहीं समझा पाऊँगा आपको, बाकी लोकेशन इतनी प्राइम है कि आप देखोगे तो आपका मन करेगा अगर आप लेने की सोच रहे हो तो। क्योंकि देखो मैंने आपको पहले भी बोला था, हर वीडियो में बोलता हूँ कि मैं उसी टाउनशिप पर ज़्यादा जोर देता हूँ जिसमें मुझे खुद को फीलिंग आती है कि हाँ ये है, और वो कॉलोनी आप वहाँ जाओगे तो आपको पता लगेगा, उस वहाँ पे जाके आप खड़े होगे तो आपको खुद को फील होगा कि मेरा प्लॉट यहाँ पे होना चाहिए, और एक्चुअल में अगर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा और फिर आप लोगे प्लॉट, क्योंकि वो कॉलोनी वैसी है, लोकेशन वैसी है और वैसी लोकेशन ही लोग ढूंढते हैं। वहाँ जाओगे आप, मान लो अगर आपका लिमिटेड भी बजट है, क्योंकि सिटी वाले जो लोग हैं, मैं जरूरी कहता नहीं कि सबका बजट 1 CR के आसपास हो, जब वो सिटी के जितना नज़दीक जाओगे 1 CR में आपको बड़ा प्लॉट मिलेगा वहाँ। आप ये है 23,900 है, तो 26,500 का 26 लाख का अपने को 111 गज का प्लॉट पड़ता है जो कि स्टैंडर्ड साइज़ है। तो अगर अपना बजट लगभग 40-50 के आसपास है तो अच्छी साइज़ का प्लॉट अपने को मिल जाता है, और साल भर बाद में, मतलब देखो इमीडिएट रेजिडेंस है उनके लिए तो फिर मैं उनको कैश होम में देना पड़ेगा या फिर गांधीपथ वेस्ट पर जो टाउनशिप है उसमें देना पड़ेगा। जिनका साल भर बाद का प्लान है या कि भाई 6 महीने साल भर बाद का प्लान है, उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एक बार आओ विजिट करो, बाकी किसी जानकारी के लिए मुझे कॉल कर लेना,
लेना, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लोकेशन वगैरह मैं भेज दूंगा, लेकिन लोकेशन से बेटर होगा कि आप मुझे कॉल कर लो, मैं आपको विजिट करवा दूंगा। और विजिट कराऊंगा तो ही आपको समझ में आएगा कि यहाँ आपको प्लॉट क्यों लेना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से पहले अपन मिलते हैं साइट पर, जब भी आप आओ मुझे कॉल कर लेना। साइट पर मिलते हैं, ऑफिस में मिलते हैं, चाय कॉफ़ी पीते हैं और विजिट करते हैं। प्लॉट लेना या न लेना ये बात की बातें हैं, लेकिन फिलहाल आप विजिट कर लो, क्योंकि अपने पास मेरे पास टाइम है, पर आपके पास टाइम नहीं होगा बाद में, क्योंकि जितना आप लेट करोगे सिटी से उतना दूर खिसकना पड़ेगा आपको। बजट आपका उतना ही रहना है, प्लॉट की साइज़ कम होती जाएगी और प्लॉट की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जो पिछले साल भर में हो रहा है वही होगा। आप तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, वीडियो देखते हो आप अच्छी बात है, लाइक करते हो ये भी अच्छी बात है, शेयर करो नहीं करो आपकी मर्जी है, लेकिन सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के आपके पैसे नहीं लगते, मेरी हेल्प हो जाती है। हेल्प तो बस क्या हो जाती है उससे अभी, क्योंकि पैसा वैसा तो कुछ आता नहीं है, लेकिन ये हेल्प हो जाती है हमारी, अच्छा लगता है। जय माता दी।